नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सक्सन आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के बैरावास में रोड की समस्या को लेकर के मतदान देने के लिए मना किया गया। दौसा जिले की ग्राम पंचायत नांगल चापा के ग्राम बैरावास में रोड नहीं होने से ग्रामीणों की खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट सुखराम गुजर ने कहा कि सराय से मनसा माता मंदिर तक रोड का निर्माण हो चुका है, लेकिन मनसा माता मंदिर से बैरावास तक रोड का निर्माण नहीं हुआ। एडवोकेट सुखराम गुजर ने कई बार शिकायत की, विभाग का जवाब आया कि गांव में आने के लिए सीट में रास्ता कटा हुआ है। एडवोकेट सुखराम गुजर का कहना है कि जब रास्ता सीट में नहीं था तो गांव कैसे बस गया। एडवोकेट सुखराम गुजर की अध्यक्षता में ग्रामीणों द्वारा मीटिंग भी की गई और आने वाले सरपंच चुनाव 10 अक्टूबर को मतदान नहीं करने की घोषणा की, और साथ ही कहा गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि 10 अक्टूबर तक रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। साथ ही मीटिंग में मौजूद राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट सुखराम गुर्जर, प्रकाश बैराज, जीतू रामकेश गुरैया, महेश गुर्जर खारंडी, सचिन घनश्याम गुरैया, मोहन ठेकेदार, रिंकू राकेश द्वारा निर्णय लिया गया। इस खबर पर 27 देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।